मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फायरिंग और लूट के दोनों आरोपी गिरफ्तार, डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी से मिली मदद। मुंबई उपनगर के दहिसर पश्चिम स्टेट बैंक ऑफ के दहिसर ब्रांच में बुधवार शाम 3:30 बजे के करीब दो लोगों ने घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई। लुटेरों ने बैंक से 2.5 लाख रुपए लूटकर भाग गए थे। बैंक में छूटी आरोपी की चप्पल द्वारा डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने महज 8 घंटे के अंदर ही दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कल 3:30 बजे के करीब दहिसर पश्चिम के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दो नकाबपोश बैंक के अंदर घुसे और बैंक में मौजूद संदेश गोमरे नामक कर्मचारी के पास रखे कैश से भरे बैग को खींचने लगे। जब कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो नकाबपोश ने फायरिंग कर बैग लेकर वहां से फरार हो गए, लेकिन बैग लेने से पहले लुटेरे ने संदेश को एक गोली सीने में दाग दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई और लुटेरे दहिसर की तरफ पैदल भाग गए। खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। लुटेरों को खोजने के लिए तत्काल कई टीम आरोपियों को खोजने में लग गई। डॉग स्क्वाड की मदद ली गई, जहां डॉग उस एरिया में लेकर गया जहां वे छुपे हुए थे। कल 31 दिसंबर रोज दोपहरी 3:25 मिनट के आसपास दो आरोपी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पश्चिम शाखे में घुसले। उभ्या असलेल्या कॉन्टॅक्ट एम्प्लॉई यांच्यावर एक गोळी मारली आणि त्या पिस्तुलाचा धाक दाखवून त्याने बँकेतून 2,70,000 रुपये एवढी रक्कम लुटून नेलेली होती। या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी आम्ही वेगवेगळी पथके टीम्स तयार केलेल्या होत्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज, गोपनीय माहितीगार आणि डॉग स्क्वॉड यांच्या मदतीने आरोपींचा माग लावण्यामध्ये आमची टीम यशस्वी झालेली आहे। डीसीपी 2:11 श्री विशाल ठाकूर, डीसीपी रेखा भोवरे, डीसीपी वसंत पिगळे, सिनियर पीआय रवी सरदेसाई आणि इतर उत्तर प्रादेशिक विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी अंमलदार यांच्या मदतीनं आरोपी देसर पूर्व येथे असल्याची माहिती मिळाली आणि तिथे आरोपींना माहितीवरून अटक करण्यात आली। या दोन आरोपींपैकी एका आरोपीनं पिस्तोलनं गोळी मारलेली होती। या दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आल्यानंतर त्यांना आज 7 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळालेली आहे आणि त्यापैकी एका आरोपीकडून त्या गुन्ह्यात वापरलेले पिस्तोल आणि जी कॅश नेलेली होती 2,70,000 रुपये त्यापैकी 2,05,000 रुपये इतकी रक्कम जप्त करण्यात आलेली आहे। सर नाही, असा काही प्रकार घडलेला नाही। आरोपींना माहितीवरून अटक करण्यात आलेली आहे आणि आरोपी हे मागच्या काही दिवसापासून एक घटना करण्याचा प्रयत्न करत होते। ते बँक त्यांनी घेऊन ठेवलेली होती आणि मागच्या 5-7 दिवसापासून त्यांचे प्रयत्न चालू होते, परंतु काल दुपारी या बँकेमध्ये जास्त बाहेरचे लोक नसल्यामुळे त्यांना संधी मिळाली आणि त्यांनी ही घटना केली आहे। सर हे दोन्ही यातील दोन्ही आरोपी हे मुंबईमध्ये राहिलेले आहेत, त्याचप्रमाणे युपीमधील भदोही जिल्ह्यामध्ये सुद्धा त्यांचं गाव आहे, तिथे सुद्धा ते येऊन जाऊन असतात। यापैकी एक आरोपी धर्मेंद्र यादव आणि दुसरा विकास यादव हे दोघे चुलत भाऊ आहेत। एकाचं वय 21 वर्ष, दुसऱ्याचं वय 19 वर्ष आहे। वापरलेलं पिस्तोल त्यांनी बिहार येथून आणलेलं होतं, त्यानंतर ते भदोही येथे गेलेले होते आणि काही दिवसापूर्वी हे मुंबईत आलेले होते। बँक ऑफ इंडियाची दहिसर पश्चिम की शाखा में आए थे, उसमें से एक ने वहां पर जो तैनात कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय थे उनके ऊपर गोली चलाई और सत्या का थ्रेट दिखाकर वहां से 2,70,000 रुपये बैंक से वो लेके गए थे। उसके बाद में इनको पकड़ने के लिए उन लोगों ने अलग अलग टीमें तैयार की थी। उन टीमों ने पूरे एरिया के इन्फॉर्मर्स वहां के सीसीटीवी फुटेज देखकर कौन से दिशा में गए हैं उसकी जानकारी ली और उस दिशा में उनको ढूंढना शुरू किया और एक एरिया में अगर वो हो सकते हैं ऐसा पता चलने के बाद में
अपने इन्फॉर्मर के जरिए उस उन आरोपियों को अटक किया गया है। दो आरोपी उस घटना में शामिल थे, उसमें से एक के पास में पिस्तौल था और दूसरे ने कैशियर के ड्रॉवर से पैसे निकाल के बैग में भरकर वो लेके गए थे। दोनों आरोपियों को कल रात को उन्होंने पकड़ा है। उसमें हमारे जोन 11 के डीसीपी विशाल ठाकुर, डीसीपी दहीसर वसंत पिंगले, डीसीपी बोरिवली रेखा भवरे, सीनेपीआई एमएचपी रवि सरदेसाई और अलग अलग पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स, ऐसी टीमें हम लोगों ने बनाई थी। उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और आरोपी को ढूंढ के निकाला है। बैंक में एक आरोपी की चप्पल भी वहां पर छूट गई थी। वो चप्पल के को लेके हुए डॉग स्क्वाड को भी हम लोग ने बुलाया था। वो डॉग ने भी उसी दिशा में हम लोग को लेके गया और उसी एरिया में हम लोग ने फिर तहकीकात की और इन्फॉर्मर के जरिए आरोपियों का पता लगाया और उनको कल रात को अरेस्ट किया गया। दोनों आरोपियों को आज 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है और उसमें से एक आरोपी के पास से हम लोग ने एक पिस्तौल और कुछ कैश बरामद की गई है।